हेलो फॉर बड़े वाले, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज है कोई भी डे नहीं, 30 डे। मैंने बोला था कि क्रिएटिन के 30 डेज ख़त्म होंगे, फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि 30 30 दिन में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है और क्या क्या सफ़र क्या क्या फील हुआ है, और क्रिएटिन लेने से क्या क्या करना चाहिए, मतलब लेते हुए जो फेज़ है उसमें क्या करना चाहिए और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उसके, क्या क्या ड्रॉबैक्स तो नहीं बोल सकते, कुछ हुआ ही नहीं वैसे तो हाँ। और मैंने कुछ क्वेश्चंस चैट जीपीटी से लिखवाए इंजीनियर तो चैट जीपीटी ने लिखे हुए हैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस, तो वो आई थिंक मैं बोलूँगा और फिर उसके आंसर दूंगा। तो हाँ ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं ये वीडियो ओनली ऑन मेरे 30 डेज के एक्सपीरियंस में बना रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। मैं ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि तुम लोग एकदम कम्प्लीटली बिगिनर नहीं हो कम्प्लीटली, ओके, कि तुमको थोड़ा बहुत क्रिएटिन के बारे में पता है और फिर भी ना पता हो तो क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद से बनाती है, और बाहर से क्रिएटिन लेने से हमारी बॉडी का ATP बढ़ता है जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बस सिंपल, इतना ही सिंपल रखूँगा मैं कि क्रिएटिन से स्ट्रेंथ बढ़ती है जैसे ही लेते हो, ठीक है। और अब थोड़ा एंगल सही रहेगा, तो मैंने बात कर ली क्रिएटिन से स्ट्रेंथ बढ़ती है, ओके, तो कितने पीरियड में बढ़ती है, लाइक मिनिमम 24 डेज लगते हैं क्रिएटिन को तुम्हारी बॉडी में फुल्ली सेचुएट होने में, ठीक है, मतलब 4 वीक्स, तो 4 वीक्स लगते हैं क्रिएटिन को तुम्हारी बॉडी में फुल्ली सेचुएट होने में हर एक मसल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड आई टेक क्रिएटिन, ओके, तो तुम लोग को क्रिएटिन जैसे ही, हाँ तुम लोग कोई एक कंपनी से मंगवा रहे हो तो वी आर लॉयल एट मसल ब्लिस, तो मसल ब्लिस का क्रिएटिन यूज करता हूँ, और हाँ कौन सा यूज़ करता हूँ वो दिखाता हूँ, ओके, तो मैं मसल ब्लिस का क्रेप प्रो यूज़ करता हूँ जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन है, जो क्रेप्योर जो कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है, वो बनाती है, ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस मैं ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे स्टार्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन से करना था, बस इतना ही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन, तो मैं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं बोल सकता क्रिएटिन के, बट जैसे मैंने क्रिएटिन लेना चालू किया था 4 5 दिन में मुझे पानी की क्रेविंग बढ़ गई थी, क्योंकि क्रिएटिन हमारे पानी बॉडी में पानी स्टोर करता है, मतलब मसल्स में, तो पानी की क्रेविंग बढ़ गई थी, मतलब फिर मैं जॉब जाता हूँ ना तो पानी बहुत पीता था, मतलब जॉब पे पहले मैं 2 बोतल पानी पीता था, 2 के 4 हो गए, ये समझ लो सिंपल थिंग। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि क्रिएटिन तुम चालू करोगे ना तो वो क्रेविंग वाला मैंने बोला कि पानी की क्रेविंग होगी, तो तुम लोग को अगर तुम लोग कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा वॉशरूम जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था वो मिनिमाइज़ करने के लिए, मैंने जितना जब क्रेविंग होता था पानी की तो 1 या 2 सिप पानी पीता था और फिर रखता था, फिर से क्रेविंग हो तो फिर से 1 2 सिप लो, ऐसे धीरे धीरे करके पानी एक मतलब एक सर्टन अमाउंट थोड़ा अमाउंट में लो, एकदम बहुत सारा पानी एक साथ मत कंज्यूम कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा जाएगा फिर ज़्यादा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा वॉशरूम कर लेने के लिए, तो धीरे धीरे सर्टन अमाउंट में लेते लेते वो बॉटल ख़त्म करो और फिर थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाओ, तो ऐसे तुम थोड़ा मेंटेन कर सकते, मैंने किया था ऐसा, तो द टिप फॉर यू गाइस। कैन क्रिएटिन हेल्प मसल बिल्डिंग, यस क्रिएटिन हेल्प मसल बिल्डिंग वेरी वेल, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तो तुम ज़्यादा ओवरलोड ले सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ले सकते हो धीरे धीरे, मतलब तो या मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करेगा क्रिएटिन। इज क्रिएटिन सुटेबल फॉर वेजिटेरियंस, ऑब्वियसली ये सप्लीमेंट है यार, वेजिटेरियन ही होगा ना हाउ लॉन्ग डज इट टेक सी रिजल्ट फ्रॉम क्रिएटिन, ठीक है, तो मैंने अभी बोल दिया था कि
4 वीक्स 24 डेज लगते हैं फुल्ली सैचुरेटेड होने में. उसके बाद उसके पहले ही मतलब 1-2 वीक में तुम लोग को पता चल जाएगा क्रिएटिन के बारे में. लाइक 1-2 वीक में तुम्हारा स्ट्रेंथ पहले वीक में थोड़ा सैचुरेट होगा, सेकेंड वीक में स्ट्रेंथ ज़्यादा पीक धीरे धीरे पीक पे आएगी और 4 वीक्स तक पीक पे चली जाएगी. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिन रिकवरी में हेल्प करता है. 100%, क्योंकि पहले मेरी रिकवरी और अभी की रिकवरी में बहुत फ़र्क है क्रिएटिन से, क्रिएटिन लेने के बाद की रिकवरी. और प्रोटीन भी करता है, प्रोटीन लेना चाहिए, बस क्रिएटिन के साथ प्रोटीन लो. और हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन के इट्स ओके विथ मिक्स क्रिएटिन विथ अदर सप्लीमेंट्स, तो मेरे को ये तो पता नहीं है. बट देखो मैं क्रिएटिन, ये इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ सकते हैं कि क्रिएटिन प्री वर्कआउट लेना चाहिए या पोस्ट वर्कआउट. तो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें स्टडीज़ बोलती है कि पोस्ट वर्कआउट लेने से क्रिएटिन का इफेक्ट ज़्यादा आता है. ठीक है, थोड़ा 1-2-3-4% ज़्यादा आता है. तो हाँ, मैं पोस्ट वर्कआउट लेता था क्रिएटिन विथ माय वे प्रोटीन, मिक्स करके दोनों को. पहले क्रिएटिन का सूप डालो, फिर वे प्रोटीन डालो, फिर शेकर से मिक्स करो और फिर पी जाओ आराम से. बस ये था मेरा क्रिएटिन लेने का तरीका. तो या यू कैन मिक्स विथ योर वे प्रोटीन और एनीथिंग गेनर, कुछ भी. और एक लास्ट वन, हाउ मच क्रिएटिन शुड आई टेक डेली. ओके, तो देखो ये जो बॉक्स था उसमें एक स्कूप था 3 ग्राम्स का. ठीक है, मैं वही स्कूप हर रोज लेता था, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, लेवल स्कूप 3 ग्राम देता था और बस. तो जो बेसिक क्रिएटिन के क्वेश्चन थे वो तो हो गए, आफ्टर 30 डेज के क्वेश्चंस. ओके, तो या अब हो गया आफ्टर 30 डेज वाले क्वेश्चंस. ओके गाइस, तो मैं थोड़ा ऐसा आ जाता हूँ और आफ्टर 30 होगा. हाउ मच मसल मास कैन आई एक्सपेक्ट टू गेन आफ्टर 30 डेज ऑफ यूजिंग क्रिएटिन. ओके, तो मसल मास के बारे में बोलूँगा तो देखो, मेरा वेट आई थिंक सो 68 था व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग क्रिएटिन. ओके, और बहुत सारा फैट भी था मेरे पास, मतलब फैट था मेरे में. अभी मेरा करेंटली वेट आई थिंक 71 kgs है. तो मैंने आई थिंक 68-69 3 kgs पुट ऑन किया टेकिंग क्रिएटिन. और वो 3 kgs पुट ऑन करते करते मैंने मेरा फैट लॉस भी किया है. ठीक है, तो मैंने मसल मास भी गेन किया है और फैट लॉस भी किया है. तो मैंने मसल मास आई थिंक बहुत सारा मन में पुट ऑन किया है. यस, तो या इट्स हेल्प टू गेन मसल मास. हाँ, एक और भी क्वेश्चन है, कैन आई कंटिन्यू टेकिंग क्रिएटिन बियॉन्ड द इनिशियल 30 डेज. हाँ, लेना ही है. अगर तुम लोग क्रिएटिन लेना बंद कर दोगे 30 डेज के बाद, बोला सैचुरेट होने के बाद, तो वो धीरे धीरे एटीपी लेवल तुम्हारे कम देने देंगे, क्योंकि तुमने बाहर से क्रिएटिन डाला है ना, तुम्हारा मसल ने जनरेट नहीं किया, तो वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा और तुम्हें जो क्रिएटिन से स्ट्रेंथ मिली है ना वो बंद हो जाएगी. तो 30 डेज के बाद भी धीरे धीरे लेना चालू हो. और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संडे को क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं, वो सब वो तुम्हारे पे, तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं. ठीक है, हाउ मच स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट शुड आई एक्सेप्ट आफ्टर अ मंथ ऑफ क्रिएटिन यूज. एक्सेप्ट कुछ मत करो, यहाँ पे मैं एकदम रियलिटी में बताता हूँ तुम लोग को, एक्सेप्ट नथिंग. खुद पे फोकस करो, क्रिएटिन को खाली लो, उसको सैचुरेट होने दो, खुद पे फोकस करो कि मैं इतना वेट उठा रहा हूँ, मैं उठाऊंगा. मतलब अभी देखो, मैंने स्टार्ट किया था विथ 25 kg ऑफ लैट पुल डाउन. ओके, और अभी हूँ मैं 45 kgs पर. ठीक है, क्वाड एक्सटेंशन में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. लाइक मैं था 30 kgs पे, आई एम एट 60 बियॉन्ड, अभी मैं आई थिंक 65 जाऊँगा. ओके, मतलब 64 हो गया था, 69 जाऊँगा आई थिंक मैं अभी. वो सारे स्क्रीनशॉट अभी बताऊंगा मैं तुमको, लास्ट में दिखाऊंगा कि फर्स्ट डे एट द स्टार्ट ऑफ क्रिएटिन मेरा पुश पुल लेग में क्या प्रोग्रेस था और आफ्टर क्रिएटिन मेरा पुश पुल लेग में क्या था. ठीक है,
Should I adjust my creatine dosage or routine after the first 30 days? It's upon you. क्योंकि देखो मैंने सोचा था कि पहले 30 दिन मैं संडे को भी क्रिएटिन लूंगा और मैं ले रहा था, ठीक है। अब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाली जो वर्कआउट कर रहा हूँ दिन एक 6, ओके, मंडे टू सैटरडे बस 6 दिन लूंगा और संडे स्किप करूंगा। आज मैंने क्रिएटिन ले लिया है तो हाँ, ऐसे ऐसे तुम बचत भी कर सकते हो, मतलब क्रिएटिन की। फॉर स्टूडेंट्स यू कैन डू इट, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो या ओके। द मेन क्वेश्चन यू आर हियर फॉर, क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है? तो आई टोल्ड यू वन थिंग गाइस, मेरे को जेनेटिकली हेयरलाइन है, मतलब देखो ये हेयरलाइंस है जो मेरे जेनेटिक्स में है, ठीक है, मेरे पापा को भी है और ये मेरे मुझे भी हुई है, मतलब ठीक है। आफ्टर मतलब बिफोर टेकिंग क्रिएटिन ये हेयरलाइन ऐसी ही थी और आफ्टर टेकिंग ऑफ 30 days, ओके, 30 दिन के बाद भी ये इतनी ही है। तो इट्स कम्प्लीटली मिथ, क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता, होता कुछ भी नहीं है, जेनेटिक्स वाला है मेरे को। तो और अगर क्रिएटिन से हेयर लॉस होता तो ये ज़्यादा हो गया होता, तो सिंपल थिंग नहीं होता मेरे हिसाब से, और किडनी वाला मुझे नहीं पता। ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, 30 डे का क्रिएटिन और हेयर लॉस वाला तो मैंने बता दिया आपको, और मेरा जो 30 डे का प्रोग्रेस है जो डे 1 से डे 30 तक का, वो मैंने आई थिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डे 1 से 30 का कितने सेट्स, कितने रैप्स, सब कुछ, कितना किलो है वो भी, तो सब कुछ तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कीप काम, टॉक लेस, डू मोर, बाय बाय।